नमस्कार। NIOS के योग अभ्यास श्रृंखला का आज सूर्य नमस्कार पे हम बात करेंगे और सूर्य नमस्कार सीखेंगे। सूर्य नमस्कार योग आसनों में सबसे पहले किया जाने वाला आसन है। इसमें सबसे पहले तो ये बॉडी ओपनर भी है, इसका मतलब ये हमारे अंगों को फ्लेक्सिबल करता है, इनको लचीला करता है आगे के आसनों को करने के लिए। तो सबसे पहले सूर्य नमस्कार में हम जानेंगे कि ये किया कैसे जाता है, पर उसके पहले हम ये जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी है। सूर्य नमस्कार वैसे तो हर एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है, 5 साल की उम्र के बाद बच्चे भी कर सकते हैं इसे, पर इसकी कुछ सावधानियां हैं। जैसे अगर आपको हृदय संबंधित कोई समस्या है, आपकी बीपी हाई है, ब्लड प्रेशर आपका हाई है, या आप कुछ लंबे बीमारी से ऊपर आए हैं, या फिर आपका शरीर जनरली सामान्यतः ही कमज़ोर है, तो ऐसे में और फिर कभी आर्थराइटिस की बहुत ज़्यादा समस्या है, या फिर आपके सर्जरी हुई है, कोई ऑपरेशन से गुजरे हैं, तो इसमें हम सूर्य नमस्कार एक किसी योग विशेषज्ञ की सहायता लेकर पता करते हैं कि कब कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति सूर्य नमस्कार कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह की उन्हें कोई समस्या नहीं आएगी। इनफैक्ट उससे उनका पूरा शरीर लचीला, बाहें सुदृढ़, कंधे मजबूत और सबसे ज़्यादा मेरुदंड लचीला हो जाएगा और सुदृढ़ भी हो जाएगा। तो सूर्य नमस्कार की सबसे पहली बात जो है वो ये है कि वो एक तो आपके अंगों को खोलता है और उसके साथ साथ इसमें 8 आसनों का समूह है जो कि हम 12 के सेट में करते हैं। अब हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले सूर्य नमस्कार के अभ्यास के लिए सबसे पहले अपना मैट बिछा लें और मैट में सबसे आगे खड़े हों, क्योंकि हम पूरी मैट की लंबाई का उपयोग करेंगे सूर्य नमस्कार के अभ्यास के लिए। सबसे पहले हम एक सम स्थिति में खड़े होंगे, सीधा, कंधे आराम से आपके हथेलियां बगल में सटी हुई और चिन पैरल आपकी ठुड्डी जमीन के समांतर। फिर शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार। पहले हम दाहिनी ओर करेंगे 12 आसन, फिर बाईं ओर 12 आसन, ये पूरा मिला के 24 आसनों का है। इसके बाद सूर्य नमस्कार का एक चक्र पूरा होता है। तो शुरू करते हैं, सांस लें और छोड़ें, फिर प्रणाम आसन। सांस लेते हुए अपने बाजुओं को ऊपर उठाएंगे, पहले पूरा तानेंगे और पीछे की ओर झुकेंगे और सिर आंखों को ऊपर उठाएंगे, ठुड्डी ऊपर, एक इसमें पूरा सांस लेते हुए पीछे झुकेंगे, घुटना मुड़ेगा नहीं। फिर सांस छोड़ते हुए आगे की ओर शरीर को तानते हुए नीचे आएंगे और मेरे बांह पूरे समय कान से लगी हुई है, अभी मैं अपने बांह को नीचे ले जाऊंगी और अपने सिर को जितना नीचे हो सके उतना नीचे ले जाएंगे। इनहेल करेंगे, राइट, सीधा पैर पीछे, दाहिना पैर पीछे, सबसे पहले बायां घुटना 90 डिग्री कोण बनाएगा हमारे जांघ के साथ। फिर हम पीछे अपने, जब इस पोजीशन में होते हैं तो हमारा टोज पूरा ऐसे, पैरों की उंगलियां पूरी फ्लैट रहती है। फिर जब हम पीछे जाएंगे दंडासन में आएंगे तो अपने टोज को इन करेंगे, अपने कंधों को कलाइयों के ऊपर और थोड़ा आगे देखेंगे अपने फिंगर्स टिप से 6 इंच के लगभग आगे, जिससे कि हमारे नेक नीचे या ऊपर ना हो, ये भी पीठ से एक लाइन में हो। अभी हम अष्टांग आसन करेंगे,
सबसे पहले घुटना नीचे, फिर सीना, फिर ठुड्डी या आपका माथा। इस आसन में आपके एल्बोज खुले नहीं रहेंगे, आपकी कोहनियाँ खुली नहीं रहेंगी, साथ में लगी होंगी। इसके बाद भुजंगासन, आगे की ओर खिसकते हुए अपनी कोहनियों को शरीर से लगाते हुए पैरों को ऐसे सीधा करेंगे, टोज को, और धीरे धीरे ऊपर दे उठेंगे। इसके बाद अगला आसन पर्वतासन। इसमें टोज इन करके पैरों को आप साथ भी रख सकते हैं, थोड़ा खोल भी सकते हैं, और पूरा अपनी हील्स को, अपनी एड़ियों को जमीन में सटाएंगे। इसमें भी आपका देखेंगे कान हमारे ऊपर की बाजू से लगी हुई है। फिर यहाँ से अब रिपीट करते हैं, 8 आसन हो गए। इसके बाद फिर से अश्व संचालन, दाहिने पैर आगे ऊपर देखेंगे। फिर बायां पैर आगे, पादहस्तासन। फिर अपने भुजाओं को ऊपर तक लाएंगे, यहां से ऊपर करते हुए 11वां। फिर से प्रणाम आसन। इस तरह हमने अभी दाहिनी ओर के 12 आसन कर लिए। अब सेम आसन हम बाईं ओर से करेंगे। बाईं ओर के लिए सबसे पहले फिर से पैरों को मिलाएंगे, हमारी हथेलियां साइड में, सांस को लेते हुए हाथों को ऊपर, एक्सहेल करेंगे फिर सांस छोड़ के हाथों को ऊपर, इनहेल करते हुए सांस लेते हुए हथेलियां ऊपर, पूरा बगल से अपने शरीर को तानेंगे, अपने हाथों को ऐसे खोल भी सकते हैं, पीछे की ओर झुकेंगे। दूसरा, इसके बाद पादहस्तासन, आगे की ओर खींच के और धीरे धीरे नीचे आएंगे, अपने उंगलियों को अपने पैरों की उंगलियों के समानांतर रखेंगे, धीरे धीरे सिर को घुटने से लगाएंगे। यहाँ से पिछली बार हमने दाहिना पैर पीछे किया था, इस बार हम पहले बायां पैर पीछे करेंगे, सांस लेते हुए और ऊपर देखेंगे, सीने को आगे करते हुए ठुड्डी ऊपर। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, अपने जो फोरहेड है उसको सिकोड़ेंगे नहीं, सीधा रखना है, चेहरा रिलैक्स्ड, एकदम शांत, चेहरे पे कोई धारी नहीं, कोई लाइन बनाना नहीं। ओके, इसके बाद पिछला टोज को टक करेंगे और फिर से दाहिना पैर पीछे ले जाएंगे, दंडासन, प्लैंक पोज। प्लैंक पोज के बाद स्टांग आसन, पहले घुटना लगाएंगे, आपके टोज यूं ही जमीन पे ऐसे रहेंगे, कोहनियों को बाहर नहीं खोलना, शरीर के पास खोलते हुए सीने को लगाएंगे जमीन में। अगर आपसे सिर लगाना मुश्किल लगता है, माथा नहीं लगा सकते, ठुड्डी लगाइए जमीन, और अगर माथा लगा सकते हैं, और यहाँ से आगे की ओर खिसकते हुए भुजंग, पीछे टोज फ्लैट, कंधे को ऊपर नहीं करना। फिर से टोज इन करेंगे और पर्वतासन। सांस लेते हुए पैर आगे ऊपर देखेंगे,
सांस छोड़ते हुए पिछला पैर को ऐसे टक करके आराम से घुटने उठा के आगे की ओर लाएंगे, पादहस्तासन। फिर अपनी भुजाओं को ऊपर लाएं, सांस लेते हुए पीछे झुके और सीधे प्रणामासन। इस तरह से 24 आसनों का एक चक्र पूरा हुआ सूर्य नमस्कार। अगर आप बिगनर हैं ऐसा 3 चक्र कर सकते हैं। अगर आप मीडियम, आपके पहले से आपको थोड़ा आसन करने की आदत है या आपका शरीर लचीला है तो आप आराम से इसको 6 से 8 बार कर सकते हैं। और अगर आप इसे ज़्यादा करना चाहते हैं तो भी, अगर आपकी शक्तिशाली शरीर है तो आप इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं, 6-8 से ज़्यादा कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार को हम 3 स्पीड गति से कर सकते हैं। अगर हम इसे धीमी गति से करेंगे तो इसके लाभ ये हैं कि शरीर लचीला होता है। इसे अगर हम मध्यम गति से करें तो ये हमारे शरीर को सुडौल और बलिष्ठ बनाता है। और अगर हम इसे बहुत ही तीव्र गति फास्ट करेंगे तो इससे हम हमारा जो फैट बर्निंग होती है, हमारा वेट लॉस होता है, ऐसे में इसको हम वेट लॉस के लिए यूज़ करते हैं। और जैसे आपने देखा सूर्य नमस्कार में ज़्यादातर हम पीछे की ओर झुकते हैं, आगे झुकते हैं, इस तरह से हमारे जो आंतरिक, जो हमारी हमारे अंग हैं उनकी, उनको अच्छा स्क्वीजिंग होता है, उनको अच्छे से दबाव पड़ता है, फिर वो खुलते हैं, उनमें रक्त का संचार बढ़ता है। इस तरह से हमारे आंतरिक अंग बहुत ही स्वस्थ होते हैं। शरीर का जो आप लचीलापन देखेंगे, खास करके हमारे जो रीढ़ की हड्डी है उसका पीछे झुकना आगे झुकना, इस तरह से वो काफ़ी लचीला बनता है। आपने देखा हम दंड आसन करते हैं, इसका मतलब हमारी कलाई, हमारी भुजाएं मजबूत बनती हैं। और जितने भी हमारे पाचन तंत्र हैं, हमारे श्वसन तंत्र हैं, उत्सर्जन तंत्र हैं, इन सब पे सूर्य नमस्कार का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। पर सबसे ज़्यादा सूर्य नमस्कार जो है, इसका नाम सूर्य इसलिए भी पड़ा है कि सूर्य जो है वो हमारे नेवल पॉइंट से, हमारे नाभि प्रदेश से जुड़ा हुआ है। ये हमारा मणिपुर चक्र है, तो ठीक नाभि प्रदेश के पीछे सोलर प्लेक्स होता है। उसमें जब हम ये सूर्य नमस्कार करते हैं तो उसका विस्तार होता है और वो सुडौल और सुदृढ़ भी बनता है। तो ऐसे में जब हमारा मणिपुर चक्र विस्तारित होता है तो हमारा पूरा शरीर शक्ति और स्फूर्ति से भर जाता है। सूर्य नमस्कार के मानसिक मन पे भी और हमारे माइंड पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ये मन को शांत, और इसके साथ साथ ये हमारे इंटेलिजेंस को, हमारे इंट्यूशन को, जो हम कोई चीज़ पहले से भांप जाते हैं, इसको बढ़ाता है। ये हमारे क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, जो हमें सृजन करने की जो शक्ति होती है उसको बढ़ाता है, लीडरशिप क्वालिटी को भी जन्म देता है। तो और फिर ये किसी भी आसन करने के पहले अगर आप कर लें तो आपका शरीर दूसरे आसन करने के लिए खुल जाता है और उसमें पूरी शक्ति सी आ जाती है। तो ऐसे में सूर्य नमस्कार के बहुत सारे फायदे हैं। पर अगर आप दूसरे आसन नहीं भी कर सकते हैं तो सूर्य नमस्कार को प्रतिदिन अगर आप करते हैं तो आप स्वस्थ और मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों तरह से स्वस्थ रहेंगे। आपने देखा सूर्य नमस्कार में सांसों पे बहुत ही ध्यान दिया जाता है। हर एक पोज चेंज में हम सांस का लेना और छोड़ना करते हैं, इससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की बहुतायत होती है और सूर्य नमस्कार से इससे बहुत फ़ायदे हमें मिल जाते हैं। उम्मीद है आपको सूर्य नमस्कार का ये आसनों का एक जो प्रोग्राम है वो अच्छा लगा होगा और आप इसे अपने जीवन में उतारेंगे। योग श्रृंखला के NIS के दूसरे अगले प्रोग्राम में नए आसनों के साथ में हम फिर से आज हाजिर होंगे। आपका धन्यवाद।